जितने भी तशरीफ रखे हुए असाज़ा स्टूडेंट्स जितने भी हाल में जितने लोग तशरीफ रखते हैं आप सबको सलाम अलैकुम। आज की बेहतरीन सेमिनार करने पे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी रिक्वेस्ट यह है, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ करने मीन्स अभी भी हमारे निज़ाम में बहुत सारा कमियां है, उसको दुरुस्त करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिए हमारे पास वो टीचर साहिबान है इस दौर में, मेरे पास कई जगहों पर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आगे मेरा प्रोग्राम है और आप भी इंशाल्लाह मेरे साथ में मेरे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर मैट्रिक पढ़े हुए टीचर साहिबान है, उनको आप जदीद किताबें पकड़ा देते हैं, लेट्स डू, कैसे करेगा वो, उसकी समझ में वो चीज़ नहीं है। हम उसके ऊपर कोई चीज़ फोर्स नहीं कर सकते। हम जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको ये चाहिए जो पुराने टीचर साहिबान है उनको बेनिफिट दें, उनको अपना राइट दें, वो हमारे मोहतरम है, उनको फारिग कर दें। और नए नए जो आजकल आ रहे हैं कि हम पे इस पर करके आए हैं कोई सिफारिशी तौर पर कोई फलान लेके फलान, आज का तालीम मैं हमारी सॉरी इसमें शायद कोई बड़ा भी मान सकता है, मगर यह है कि उनको अभी जो है बेसिक आपने जो एजुकेशन को आप कहते हैं मैट्रिक तक क्या नाम है एफ तक वो सॉरी चौथी पाँचवीं तक तो इस तरह भी चल जाते हैं। ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे जो है ना नॉनसेंस बात है। समझदारी ये है किसी भी चीज़ के लिए किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करते हुए पिलर मजबूत होगा तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, अदर आप नहीं कर सकते। बेहतरीन बेहतरीन टीचर को छोटे बच्चों पर वो करें, बच्चे शुरू से अच्छे बुनियाद की तो अच्छी फैसिलिटीज होगा, कोई ये बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। यूं टूं करके लेके जाते हैं छठी के बाद आठवीं जाने के बाद यार छोड़ दिया, कोई स्वागत चीज़ों से कोई स्वागत चीज़ ना जाए, खाम खा अपना वक्त ज़ाया करते हैं। ये चीज़ जो है ना हमारी कमज़ोरी है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नए नए बेहतरीन विजन वाले ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोग आए हैं, उन्होंने इस जदीद दौर को समझते हैं, इनके ऊपर काम कर रहा है, इनको मौका दे दो। बाकी उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो, उनके साथ अपने लिए इंसाफ हो, मगर कौम के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। कौम के लिए बेहतरीन टीचर बेहतरीन फैसिलिटीज की ज़रूरत है इंशाअल्लाह ताला। तालीम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ जाके चीन में तालीम पढ़ो, क्या वहाँ कोई इस्लामी तालीम पढ़ रहा था? नहीं था। तालीम पढ़ो, सीखो, अपने अंदर हर चीज़ को ले लो। तो हम ज़्यादा इस आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुख्तसरन ये कहूँगा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए वो तालीमी निज़ाम लाऊँगा जो आज की दौर में ज़रूरत है, ये हमारा वादा है आप लोगों के साथ। आपको बेहतरीन टीचर आएगा, आपको हर स्कूल के अंदर लैब लगेगा, हमने शुरू भी किया है, लैब लगेगा जहाँ जहाँ कोई कमज़ोरी है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है आओ बैठो मिल के तालीम के लिए, आओ बैठो तालीम के लिए, इकट्ठे हो जाओ। तरक्की वो कौन करते हैं जो मेहनत करते हैं और तालीम के ऊपर मेहनत करते हैं। यहाँ लोगों में एक लेवल लगा, ये गरीब का बच्चा है ये कहाँ से पढ़ेगा? यकीन करो माइंड से थोड़े दिन की जहन में बात हो कि हमने तालीम पढ़ना है, हमने ये करना है, तो उसके ग्रासे में कोई गरीब गुरबत की कोई नाम ही नहीं, उसको महसूस ही नहीं। सबसे बड़ा छोट चीज़ जो है ना आपका माइंड है, माइंड से जिनका बड़ा होना उनको कोई नहीं रोक सकते, वो आगे निकल जाना है। अगर माइंड में हो कि हमने अगर यार हमारे बच्चे क्या पढ़ेगा, उनके पास तो खर्चा है, उनके पास तो है बहुत सारा हिस्ट्री है, लोगों ने दरख्तों के नीचे बैठ के इतनी मेहनत किया, आज वो जितना भी हिस्ट्री रकम कर गया है, कोई सदर साहब है, कोई वज़ीर आज़म साहब है, ये सब के सब जो है ना आपकी जहन मजबूत हो
तो कोई चीज़ जो है ना आपके आगे कोई मुश्किल है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो है सोच, थिंक। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यार क्या कहे, ये हमसे नहीं हो सकता, बखुदा आप तालीम के लिए वो करो। अब इंशाअल्लाह ताला हमें कुछ चीज़ें था, बहुत खैर एजुकेशन साइड की कोई भी ज़रूरत नहीं था, मगर एक बेसिक कुछ ज़रूरत की चीज़ें था, उस पर हमने काम किया। और ये जो अभी सियासी पार्टी है हमारे जो कायदेन जिसमें आगे तक है, और हमारा खुद खसूस खालिद खुर्शीद साहब का हर जगह में यही कहते हैं, हम कैबिनेट में बैठते हैं, आप लोग तालीम के लिए काम करो। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब भी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी जो बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा टीम है। हम इस टीम के साथ अपनी भी कोशिश करूँगा, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, हम खुश नहीं है अगर आप आगे नहीं आएगा तो। आपको जो फैसिलिटीज चाहिए इंशाल्लाह ताला वो हम लोग करेगा। बाकी का आई एम वेरी सॉरी टू लेट, हमारा अभी एक मीटिंग है तो हमने उधर उधर जाना है, वो भी बार बार हमें कॉल कर रहे हैं, कोई मेहमान है दूर से भी आया हुआ है, मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। तो मेरे तरफ से भी 35,000 रुपये जो है आप लोगों का डोनेशन है इंशाल्लाह ताला आगे। आगे आगे जो है ये जो इनके लिए वो है 35,000 नहीं, मैं ये आपसे वादा करता हूँ अगर ये हमारा अगला 2-3 साल के अंदर 35 करोड़ रुपए का आंसर मैं लगा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।